जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जैसे कि आप सभी जानते ही हैं ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो रखा है। इसमें अगर हम बात कर ले इस एंट्रेंस टेस्ट में, तो सबसे पहले 11 साइंस का हुआ है, उसके बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स का। आज जो है वो कॉमर्स का एंट्रेंस पेपर है। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि 11 साइंस के रिलेटेड मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बता दी है किस तरीके से कब रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस की बात कर लिए, तो अगले एटलीस्ट 20 से 25 दिन या 1 मंथ के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको एटलीस्ट 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा जामिया के रिजल्ट के लिए, चाहे वो आर्ट्स का दी हो या कॉमर्स का दी हो साइंस का दी हो। लेकिन अगर हम इसमें इस बार यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट किए उसको लेकर हम बात कर लें, तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर हम साइंस की बात कर ले, तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि 74% इस बार स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोबेबली देखा जा रहा है कि बच्चे जो मतलब एग्ज़ाम हॉल में पहुंच रहे हैं 50 से 70% के आसपास में जो बच्चे फिलहाल अभी पहुंच रहे हैं। 100% बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि अभी कोविड, एक तो पेंडेमिक है, दूसरा वो ट्रेन का किसी कुछ इशू हो जाता है। लेकिन खैर हम इस बार आपको बता दें कि अगर हम साइंस के आर्ट्स के एस्पिरेंट के लिए बता दें, आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल करते कंपेरिजन भी साइंस का, तो जो आर्ट्स का जो एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो फॉर्म फिल हुआ 7000 के आसपास में। और वही अगर हम आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वही अगर कॉमर्स की बात कर लें तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो लगभग है ना वो कॉमन ही मतलब सेम ही फॉर्म फिल होता है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़े लेवल का, क्योंकि इन दोनों का कोर्सेज ठीक डिमांड है बहुत उतना ज़्यादा नहीं है कंपेरिजन विद साइंस का। लेकिन अगर हम इस बार का कट ऑफ की बात कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा पहले लास्ट टाइम का कट ऑफ के बारे में बता दें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरा ये भी है कि अगर क्वेश्चन देखेंगे तो जामिया का तो बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन में चेंजेज नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे खासकर कॉमर्स वाले एस्पिरेंट के लिए, तो जो जनरल स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ गया था वो 77 गया था, और मुस्लिम का जो कट ऑफ गया था वो 74 गया था, और मुस्लिम ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 71, और मुस्लिम वेमेन का जो कट ऑफ गया था वो 69। तो ऐसा देखा जाता है कि एक से दूसरी यानी कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के बीच में 4 से 5 मार्क का डिफरेंस होता है। जैसे कि 77 देखे जनरल का है तो मुस्लिम का जो कट ऑफ है 74 है। तो अगर इस साल की बात कर लें तो इस साल भी जो कट ऑफ है वो 70+ रहेगा, यानी कि 80 के आसपास में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सही करके आ रहे हैं उनकी चांस है सिलेक्शन होने का। एंड 70+ मुस्लिम एस्पिरेंट के लिए, और मुस्लिम ओबीसी के लिए भी 70+ ही वो अपना मान के चले। और गर्ल्स के लिए जहां तक बात कर ले तो अभी अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा, अभी ऐसा नहीं कि आपको हिम्मत के पीछे हार जाना, ऐसा नहीं है। अभी जो भी चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, जिस भी बंदे ने 65+ स्कोर किया है वो या 60+ स्कोर किया है वो बंदा अपनी नज़र बोलते हैं ना नज़र गड़ाए रहे कि भाई जब भी रिजल्ट आएगा एक बार देख लेंगे क्या होता है। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि हाँ ऐसा देखा कि एक बतौर रिमाइंड कर दे कि कॉमर्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है कंपेरिजन विद आर्ट्स का, आर्ट्स का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, कॉमर्स का ज़्यादा जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कॉमर्स में कुछ मतलब कॉमर्स में जो कट ऑफ का जो रिलीज़ करा जाता है, अब बड़ा आसान शब्द में यही है कि क्वेश्चन जैसा रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। क्वेश्चन अगर ईजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, और क्वेश्चन अगर टफ रहेगा तो जो कट ऑफ है वो डाउन चला जाता है। तो ऐसे में मैं थोड़ा फिर से अगेन रिकॉल कर दूं कि जो बंदे यानी जो बच्चे कॉमर्स के लिए पेपर दे रहे हैं, तो वो अगर वो जो भी स्टूडेंट 60 से 80 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो फिलहाल पीच पे बने रहें, उन्हें अभी भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो वेट करें रिजल्ट आने का। रिजल्ट ठीक 20 से 25 दिन में आ जाएगा। वही अगर आर्ट्स की भी बात कर लें तो सेम है, 60+ जिस भी स्टूडेंट्स का भी मार्क्स आ रहा है वो फिलहाल अभी नज़र बनाए रखेंगे। एक बात और एट देंड मैं जरूर कहूँगा, जितने भी बच्चे का जितना भी मार्क्स आ रहा है वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे मैं एक एक्यूरेट डेटा दे पाऊंगा आप सभी को कि हाँ भाई इस बार एटलीस्ट कितने मार्क्स वाले बच्चे जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या रिजल्ट का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको लेकर। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो रिजल्ट है वो आपको ठीक 20 से 25 दिन में, और आपको अपना आईडी ओपन करके चेक करते रहा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़रूर बताएं आप कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। थैंक यू।